सीएम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। एक और न्यू वैकेंसी का फाइनली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। झारखंड हाई कोर्ट न्यू वैकेंसी 2024 को ऑलरेडी आ चुकी है। अभी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या लिमिट रखा गया है, कितना टोटल पोस्ट आया है, कब से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, सारा कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो गए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हमने इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। झारखंड हाई कोर्ट न्यू वैकेंसी 2024 को ऑलरेडी आ चुकी है। अब आपको बता दें अप्लाई डेट आपका स्टार्ट हो रहा है, 20 फरवरी से आपका अप्लाई डेट स्टार्ट हो रहा है। अब 22 मार्च 2024 तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, उससे पहले आप ये फॉर्म भर दीजिएगा। टेलीग्राम पर हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जैसे एक्टिवेट होगा आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। अब आपको बता दें इसमें पोस्ट जो आया है आपका असिस्टेंट के पोस्ट पर, असिस्टेंट फॉर हाई कोर्ट रांची आपका यह पोस्ट आया है। अब आपको इसमें बता दें टोटल पोस्ट आपका इसमें 55 पोस्ट आया है टोटल। अभी आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे फोन के स्क्रीन पर। अब फॉर्म फीस पहले समझ लीजिए, इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का आपका इसमें 500 रुपये फीस चार्ज पड़ेगा, एससी एसटी का इसमें 125 रुपये आपका फॉर्म फीस पड़ेगा, जो कि आपको फॉर्म भरते समय ऑनलाइन पे। पहले इसमें एज लिमिट आप समझ लीजिए, इसमें डिफरेंट डिफरेंस आपका एज लिमिट रखा गया है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस हो तो आपकी 21 से 35 साल एज है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बीसी ईबीसी का इसमें 21 से 37 साल एज रखी गई है। और आगे आप समझ लीजिए फीमेल के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और बीसी ईबीसी का आपका नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो हाई कोर्ट, यहाँ पे देख सकते हो हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची आपका ये पोस्ट आया है। और यहाँ पे आगे आप प्रोसेस देख सकते हो, यहाँ पे आपका टोटल वैकेंसी बताया गया है कैटेगरी वाइज, जो कि किसने कितना आपके रिजर्व में BC1 BC3 में आपका कितना टोटल पोस्ट आपका 55 टोटल पोस्ट आया है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अप्लाई डेट आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो 20/2/2024 आपका मतलब 20 फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है। अब 22 मार्च 2024 तक आपका फॉर्म अप्लाई चलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेजुएशन पास आपका इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपकी सैलरी इसमें सबसे ज़्यादा है लेवल 3 का आपका सैलरी रहेगा, इसमें 44,900 से आपका स्टार्टिंग रहेगा सैलरी का, 1,42,400 रुपये तक आपका पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। और जो पोस्ट आया है आपका असिस्टेंट फॉर हाई कोर्ट ऑफ रांची झारखंड, यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे आप सारा डाटा देख सकते हो, हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आगे यहाँ पे प्रोसेस देख सकते हो, यहाँ पे आपका सारा डाटा बताया गया है। और यहाँ पे आपका फ़ीस बताया गया है कि आपका फ़ीस कितना पड़ेगा, यहाँ पर सारा प्रोसेस हमने बोर्ड पर आपको बता ही रहे हैं। और यहाँ पर आगे देख सकते हो, यहाँ पर सारा टोटल यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आपका सिलेबस पहले ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पर रिटर्न एग्जाम जो होगा आपका 90 मार्क का होगा, 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा, 20 वर्ड पर मिनट आपको इसमें टाइपिंग करना है। और कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी आपका होगा जो कि क्वालिफाई रहेगा, क्वालिफाई नेचर का रहेगा, 5 मिनट इसमें टाइम मिलेगा, 100 वर्ड पर मिनट आपको इसमें टाइपिंग करना है। और यहाँ पर वाइवा जो आपका बताया गया है, यहाँ पर आपका 15 मार्क का ये रहेगा। ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। यहाँ पर आपका सिलेबस बताया गया है, अब ग्रेड 1 मतलब आपका पेपर 1 में आपका जनरल इंग्लिश रहेगा, उसके बाद में वर्ड 20 मार्क का रहेगा ये, और इंग्लिश आपका यहाँ पे बताया गया है। और ग्रेड 2 में आपका जो होगा जनरल अवेयरनेस से आपका 30 मार्क का होगा। और यहाँ पे देख सकते हो मैथ एंड रीजनिंग यहाँ पे आपका ये कराया जाएगा, वो भी 30 मार्क का रहेगा। रिटर्न सिलेबस है आपका, एग्जाम पैटर्न, ये सारा डेटा था, टेलीग्राम पर आप जाके पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे। अगर चैनल पर नए हो गए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब, मतलब 21 से 38 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है, सारा छूट लेकर हम बता रहे हैं आपको। अब मेल फीमेल एससी एसटी का आपका 21 से 40 साल एज है, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये सारा क्लियर हो गया होगा आपको। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन पास हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा 20 वर्ड पर मिनट आपका इसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपका नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर चलाने के लिए, क्योंकि आपका कंप्यूटर पे बेस पे आपका इसमें जो कराया जाएगा टाइपिंग टेस्ट वो आपका उसी के बेस पे होगा। सिलेक्शन प्रोसेस पहले आप समझ लीजिए, इसमें आपका रिटर्न एग्जाम पहले कराया जाएगा। अविवा वेस आपका इसमें 15 मार्क मिलेगा, ये भी कुछ होता है जो कि नोटिफिकेशन में बताया गया, अभी आपको दिखा रहे हैं जो दिखाए थे नोटिफिकेशन, उसमें ये भी बताया गया है 15 मार्क का आपका ये होगा। और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उस कंप्यूटर बेस्ड पे आपका इसमें टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आप सिलेबस पहले समझ लीजिए, सिलेबस में आपका क्या बताया गया है, इसमें आपका 90 क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा, 90 मिनट आपको इसमें टाइम मिलेगा, 2 घंटे 90 मिनट मतलब 90 मार्क आपका रहेगा, और 2 घंटे आपको इसमें टाइम मिलेगा हल करने के लिए आपको। इसमें इंग्लिश से आपका 30 क्वेश्चन आएगा, और जनरल अवेयरनेस से आपका इसमें 30 क्वेश्चन आएगा, मैथ एंड रीजनिंग मिला के आपका इसमें 30 क्वेश्चन आएगा, टोटल आपका 90 क्वेश्चन रहेगा, 90 मार्क का रहेगा, और इसमें 2 घंटे आपको इसमें टाइम दिया जाएगा आपको हल करने के लिए। ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा।
जैसा सारा डेटा। अगर आप चाहो ग्रेजुएशन पास हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर नए होंगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम डेली अपडेट आपको जॉब के बारे में देते रहते हैं। अप्लाई लिंक हमने वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, जैसे टिबेट होगा आप अपना फॉर्म अपना भर लीजिएगा आप लोग।